तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। अभी तो बीजेपी को समाजवाद सेकुलर वो क्या है अभी उसी को समझना है। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। बहस इस बात की नहीं है कि किस विचारधारा के बारे में मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रीएम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद सेकुलर वो क्या है अभी उसी को समझना है। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे, तो ये तीन बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और लगातार बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। देखिए आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो कम से कम मीडिया को 0.1% का तो लाभ मिलेगा ना, क्योंकि उन कंपनियों को प्रचार करना है तो आपके माध्यम से प्रचार करेंगे। सरकार को उन कंपनियों का प्रचार करना है तो आपके माध्यम से प्रचार करेंगे। तो आप हमें बताओ, अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है तो वो कंपनियां क्या आपको प्रचार करने के लिए कुछ धनराशि दी है, या सरकार ने उन कंपनियों के या इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि दी है? तो आपको खुद साफ हो जाएगा। क्या रणनीति बनाया है? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। जो बजट के बारे में कुछ बिंदु होते हैं, जो कई टर्म्स हैं जिनको समझना चाहिए, तो वो केवल जानकारी हासिल करने के लिए। और सरकार किस तरीके से आंकड़ों से खेल रही है, ये आंकड़े समझा करके बता रही विकास हो जाएगा। अरे आंकड़ों से विकास थोड़ी होता है, जमीन पर चीजें उतरे तब विकास होता है। राज्यसभा के चुनाव में क्या चौथा प्रत्याशी भी आप लाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी कोई चौथा प्रत्याशी नहीं लाएगी। जयंत चौधरी आखिरी। अब हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कोई इन्वेस्टमेंट आया है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पुरानी सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके तहत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया हो, इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कम इन्वेस्टमेंट आया हो? ये आपको भी इस पे जरा होमवर्क कर करके जानकारी देनी चाहिए, शायद हमें भी जानकारी मिल जाएगी तो अच्छा होगा। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।